तो गाइस कि आपको पता है कि अपना जो फ्री फायर इंडिया उसका नेम चेंज होने वाला है और उसका जो लोगो था वो भी चेंज होने वाला है। और क्या आपको पता है कि फ्री फायर इंडिया ना आने का 5 सितंबर को रियल रीजन क्या था? मतलब कुछ लोग बताते कि भाई लोड याद था, कुछ लोग बताते कि अपन को भाई उल्लू बनाया गया, 5 सितंबर को नहीं आने वाला, कोई और मतलब ऐसा कोई सीन ही नहीं है। तो रियलिटी में तो मैं बताने वाला हूँ, बाकी वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाली, जो न्यूज़ मेरे को 100% पता होगी वो मैं आपको बताऊंगा, बाकी अपन बिना प्रूफ कोई बात नहीं करने वाले, ठीक है? तो चलो वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो नंबर वन, ना आने का एग्जैक्ट रीजन क्या था? तो बस बहुत सारे लोगों को पता है कि भाई फ्री फायर को अपन रजिस्टर करने का ऑप्शन दिया था, अगर उसमें बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर किया था, बट फ्री फायर की गलत फहमी थी कि भाई फ्री फायर वहीं वैसे बैन हो चुका, तो भाई बहुत कम ही लोग रजिस्टर करेंगे, जैसे 5-10 मिलियन लोग बस ही, बट फ्री फायर की उसकी औकात से और उसकी उम्मीद से लोगों ने रजिस्टर कर दिया। क्या आपको पता है रियलिटी मतलब कितने लोगों ने रजिस्टर किया था? 41 मिलियन से ज्यादा लोगों ने, यस गाइस सही सुना, जिसकी वजह से भाई फ्री फायर का सिस्टम और सर्वर एकदम भाई हिल गया था कि भाई इतना पावर मतलब कैसे। और भाई फ्री फायर को पता था कि अगर उस दिन लॉन्च कर देंगे और उनका भाई सर्वर इतना तगड़ा है नहीं कि भाई वो 41 मिलियन का इकट्ठा प्रेस और इतने ज़्यादा लोडिंग वो झेल नहीं सकते, और उन्हें पता था भाई उसकी वजह से भाई उनका गेम का ग्लिचेस से भर जाएगा और उनका गेम भी हैंग हो जाने वाले, क्योंकि भाई अपन इंडियन से बोले तो भारतीय सिस्टम फाड़ देंगे, ठीक है? तो ये सीन था जिसकी वजह से फ्री फायर को मतलब पोस्टपोन करना पड़ा अपनी डेट। और कुछ लोग बोलते हैं अपन को भाई उल्लू बनाया गया, ऐसा कोई सीन नहीं था। तो भाई यार देखो, अगर उल्लू बनाया गया होता तो अपने भाई जो सुनील छेत्री हैं जिनने भाई अपने फ्री फायर के ऑफिशियल वीडियो में थे, तो उनने खुद ही बोला था 5 सितंबर को आने वाला है, तो भाई उनके मुंह से झूठ तो थोड़ी ना बुलाएंगे, ठीक है? वो था, बट रियल रीजन ये था। बाकी तुम लोग को पता है कि जो अपना फ्री फायर इंडिया उसका नेम चेंज होने वाला है, यस गाइस तुमने सही सुना, और उसका क्या नेम हो सकता है पहले तुम प्रूफ देख लो फिर तुम देखना। दिस इज अ मैसिव न्यूज ब्रेक हियर ऑन टाइम्स नाउ। इंडिया लाइकली टू बी रीनेम्ड भारत। वी गिवन टू अंडरस्टैंड दैट द गवर्नमेंट इज लाइकली टू ब्रिंग फ्रेश रेजोल्यूशन टू रीनेम इंडिया एज भारत, एंड दिस फ्रेश रेजोल्यूशन इज लाइकली टू बी ब्रॉट इन द स्पेशल सेशन। प्रनेश कंटिन्यूज टू बी विद अस, लाइक ही वाज सेइंग दिस इज इंडीड अ मैसिव न्यूज ब्रेक, इंडिया टू बी रीनेम भारत। यस गाइस, अपनी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो अपना देश का नेम इंडियन है उसको चेंज करके भारत किया जाएगा। जैसे अपने भाई दूसरी कंट्री जैसे अमेरिका हो गई या पाकिस्तान, कोई भी देश है तो वो लोग क्या जानते कि इंडिया से, मगर नहीं भारत से बहुत कम लोग जानते। गवर्नमेंट ने फैसला किया कि भाई अपने देश का इंडियन से भारत नेम किया जाएगा, और मुझे लगता है कि अब फ्री फायर इंडिया भी फ्री फायर भारत करके ही आएगा, क्योंकि अगर आप भाई सब कुछ चेंज करके तो भाई गेम का नेम चेंज करा सकते हैं। मगर मतलब एक्चुअल रीजन ये नहीं हो सकता पोस्टपोन होने का, क्योंकि ये न्यूज़ तो अभी आई है, एंड अगर ऐसा कुछ होता तो भाई फ्री फायर तो अपडेट में वापस नेम चेंज कर लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट रियल रीजन यही था कि भाई गेम में लोड बहुत ज़्यादा पड़ा था, और अब फ्री फायर चाहता है कि वो अपने सर्वर को इतना तगड़ा करें कि अगर उसमें 1 बिलियन लोग भी खेलें तो उसका सिस्टम ना है मोड़े। तो फ्री फायर अब यही कोशिश करना चाहता हूँ। फ्री फायर की एग्जैक्ट डेट मुझे लगता है कि वो या तो 12 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में आ जाएगा। अपन एग्जैक्ट डेट इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि फ्री फायर जितनी जल्दी से काम करेगा उतनी जल्दी अपना गेम आ सकता है, अगर वो जितना लेजीनेस के साथ काम करेगा उतनी लेट अपना गेम आएगा। तो अपन नहीं जानते फ्री फायर कितनी देर काम करता है, ठीक है? बट एग्जैक्ट डेट भाई 20 सितंबर के पहले आएगा, क्योंकि भाई अपना FFIC आने वाला है, और फिर नवंबर में होगा अपना फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज जिसमें अपने इंडिया टीम भी जानी है, और वो कब जाती है अपने भाई FFIC में जो जीतता है उसमें से एक टीम सेलेक्ट हो जाती है, और वो होगा शायद अपना नवंबर अक्टूबर में हो ही जाएगा, क्योंकि नवंबर में तो वो है अक्टूबर में ये होगा। तो भाई सितंबर तक फ्री फायर इंडिया का आना है इंपॉर्टेंट है, तो वो तो आएगा, ये डेट वैसे कन्फर्म हो सकती। एंड लोगों भी बहुत लोग बोल रहे हैं कि चेंज होंगे, मतलब पहले जो ऐसा था अब ऐसा करके देखने लगेगा। बाकी ये न्यूज़ तुमको उतनी कन्फर्म नहीं लगती, बट जो भी है सो है। बाकी गाइस तुम्हें आज की वीडियो मजा आए तो लाइक मारना, सब्सक्राइब मारना, मिलते किसी और ऐसी और नेक्स्ट वीडियो में जिसमें और इन्फॉर्मेशन था। बाकी जब तक के लिए बाय, जय श्री राम।